watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't let what you need. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, मैं राहुल। तो आज हमारी एक रोड ट्रिप है जहां हम जाने वाले हैं। वो रोड ट्रिप हमारी है यहां से कम 500 किलोमीटर से ऊपर। चलिए फिर चलते चलते आपको बताते हैं। हम जो जा रहे हैं वालपराई है, वो तमिलनाडु में ही आता है। भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये है सेलम को जाने वाला रास्ता। सेलम वैसे बेसिकली बहुत फेमस है, आपको पता होगा, तो हल्दी के लिए। तो ये वही जगह है। ये जगह आती है वैसे तमिलनाडु में, और इसके आगे जो पड़ता है वो पड़ता है कोयम्बतूर, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। उससे आगे भी एक अच्छी जगह, एक और लोग जा रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको। तो भाई सुबह से चले थे हम लोग, और अभी बज गए अब 6:45। तो अभी और चलना बाकी है। अभी हाईवे बन रहा है, कितना अच्छा सनसेट हो रहा है भाई। अभी हमने देख रहे हो जीरो करा था, 315 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, और अभी 200 किलोमीटर और चलानी है। ये टूवर्ड्स कोयम्बटूर को जा रहा है ये हाईवे। और सनसेट देखो आप, क्या वेदर हो रहा है, गजब ना, मस्त वेदर हो रहा है भाई। और रोड देखो तुम, यहाँ से ऐसे तो नहीं दिख पाएगी, इसमें से देखो कैसे कट है, देख रहे हो इसमें जो अपना गूगल मैप मैंने खोल के रखा हुआ है, इसके थ्रू देखो आप, समझ सकते हो आपके कैसे कैसे रास्ते हैं। चलो चल रहे हैं फिर आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अभी यहाँ दिख नहीं रहा, वैसे ये टी स्टेट शुरू हो गए हैं, दिन में आपको दिखाएंगे, दिन में फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ। ये देखो पूरा का पूरा टी है, देख रहे हो कितनी सुंदर व्यू आ रहा है। सुबह अभी टाइम हो चुका है, देखो 11:10 है। व्यू देखो इतना शानदार, देख रहे हो ट्री कैसे दिख रहे हैं, एक सिंगल सिंगल, और ट्री के बीच में से आती हुई ये शानदार रोड। इस जगह का नाम है वलपराई, जो तमिलनाडु में है। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ राहुल। और देख रहे हो मैं रास्ता ढूंढ रहा था ज़रा बाहर आने का, चश्मा उतार लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता आप लोगों से बात करते हुए, ऐसा अच्छा लगता है। तो वनक्कम और नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो कल का ब्लॉग आपने देखा हमारा, तो आपने नहीं देखा तो ब्लॉग देखना। तो अब जो हम लोग आए हुए हैं ना, ये है वलपराई, ये भी तमिलनाडु में। देख सकते हो आप चारों तरफ पूरा टी बगाना है, जहाँ मैं घूम रहा हूँ ये सब लीफी है टी की। चाय की कोई खुशबू तो आ नहीं रही यार इसमें। इटकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है और वेदर भी बहुत अच्छा है, और नेचर तो मतलब आप देख लो कि कैसा है, ग्रीनरी कैसी है। जहाँ टी स्टेट होंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ग्रीनरी होगी, ग्रीन ग्रीन से इन्वायरमेंट। ये देखिए पीछे बहुत सुंदर जगह है, ये देखिए आप, धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। पूरा टी स्टेट बना हुआ है, ये रोड है, अंदर जा रही है, इधर की साइड में जा सकते हैं आगे घूमने के लिए, लेकिन हमें आपको अगला वाला पोर्शन में दिखाना है। ये अभिमन्यु को देखो, क्या हीरो बना हुआ है, शाहरुख खान बन रहे हैं, कौन से हीरो चश्मा लगा के है ये। और ये रोड है इधर से आती हुई, तो गाड़ी हमने इसके उधर पार्क करी है। और वो आप देख रहे हो ना, जो वो दिख रहा है आपको ये चीज, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पानी वानी के लिए आने के लिए बनाया हुआ है। चारों तरफ देखो आप कितना सुंदर नजारा है।
बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम शांति मस्त। आप यहाँ पर वालापराई में कम से कम एक दिन तो तुम्हें पहुँचने में लगेगा, तो आप दो दिन का स्टे बना सकते हो। मतलब अगर रात में पहुँचते हो तो एक दिन काफ़ी है घूमने के लिए, और दिन दिन में आते हो तो एक दिन तुम्हें स्टे करना पड़ेगा, तो मतलब ऑलमोस्ट वन नाइट एक डे चाहिए घूमने के लिए। अच्छी जगह है। और अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ से सोलिया डैम है एक। यहाँ डैम तीन डैम है, नाम तो मुझे पता नहीं है। सोलिया डैम एक डैम का नाम का पता है मुझे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और चलते हूँ आगे की तरफ, आपको और व्यू भी दिखाने हैं ना पॉइंट सारे, तो ध्यान। देखो राइट साइड लेफ्ट साइड में दिख रहे हो ना, ये वाले कॉफी वाले प्लांट है, ये नहीं, ये ग्रीन वाले नहीं, अभी नहीं दिख रहे इसमें। पर इसके पीछे की साइड में ना बिल्कुल डार्क वाले कॉफी के होते हैं, वो दिख रहे होंगे शायद आपको ऊपर की साइड में। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ आपको, अभी पहले आप रास्ते का मजा लीजिए। देखो कैसा देख रहे हो गाइस, पेड़ पे चढ़े हुए हैं ना छोटे छोटे, ये हैं काली मिर्ची वाले प्लांट। काली मिर्ची नहीं है, ब्लैक पेपर उसके प्लांट। ये देखो किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर दिखा आपको, ये बेल जैसी है, वो ही है सारी चीजें। और रास्ता देखो कैसे जिगजैग करके आया। बिल्कुल केरला के पास है अथीरापल्ली, जो जा रहे हैं अथीरापल्ली, हम नहीं जा रहे हैं अथीरापल्ली, यहाँ से 70 किलोमीटर है, जो बहुत फेमस है वाटरफॉल के लिए। आप जाके गूगल पे भी देख सकते हो, आप विकिपीडिया पे भी अथीरापल्ली के बारे में लिखा हुआ है। बहुत टूरिज्म है उधर के लिए, बहुत लोग जाते हैं। टी पीने के लिए रुक गए हैं, सुबह से हमने टी तो पी नहीं है ना। अच्छी जगह है दोस्तों, बिल्कुल केरला से लगी हुई है। और ना आपको पता है केरला तो वैसे ही स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, तो वो कुछ जो फेमस है वो दिखाएंगे आपको। देखो भाई कितना शानदार रोड तो बहुत ही सुंदर बनी हुई है, देख रहे हो आप। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग एक एक मोमेंट कैप्चर कर ले, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखा सके हमारी वीडियो में। हाँ, डैम सा जहाँ हम सोलिया डैम की बात कर रहे थे आप लोगों से, अब जो आप लोगों को दिखाएंगे उस सोलिया डैम ही है। ये शायद जो पानी स्टोर करके रखा हुआ है ना, आप देख रहे हो, ये सब जो है टी स्टेट के लिए ही कुछ पानी वानी के लिए हिसाब से बना रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखो पानी, देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ कट कट करके बनाया है कुछ, अभी दिखा नहीं पा रहा मैं आपको, ट्री आ गए, शायद आगे से कुछ दिखेगा। चश्मा लगा लिया जरा यार, धूप पड़ रही थी बहुत तेज। पीछे देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा मेरे बैक साइड में, कितनी हाइट पे खड़ा हूँ मैं, वो देखो शानदार एकदम। पहाड़ों पर भी डैम देखने को तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही हिसाब से है। वो शायद उधर जाएंगे उधर की साइड में, कितना शानदार व्यू आ रहा है ना। गाड़ी उधर पार्क कर दी हमने। ओह, जियो के नेटवर्क भी लग रहे हैं फर्स्ट क्लास, अच्छी स्पीड आ रही है। पापा लो ला रहे हैं कि पापा फाइटर उड़ा रहे हैं, फाइटर प्लेन, पेपर फाइटर, पेपर फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं पापा। देखो हमारे जरूर बनाया हुआ है,
हैं, केरला से बिलोंग करते हैं और मैंने बोला इनसे ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज येलो माइलस्टोन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब एवरीवन प्लीज। अपनी लैंग्वेज में बोलने वाला है ना वो सब्सक्राइब करो भाई। எல்லாரும் எல்லாரும் YouTube சேனல் சப்ஸ்கிரைப் ചെയ്യ. பெல் ஐகான் அடிச்சு பட்டிக்குக. எல்லா மலையாளிகளும் சப்ஸ்கிரைப் ചെയ്യുക. थैंक यू। थैंक यू। Say something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night. Put you in that spotlight. You make me feel right. Wanna look at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you know, you know.